मीनू की जिंदगी का एक ही सपना था और वो था मिस इंडिया का खिताब जीतने का। इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। कभी वो सर पर किताबें रखकर रैंप वॉक करती, तो कभी देश दुनिया की जानकारी जमा करने के लिए रात रात भर जाकर पढ़ाई करती। उसकी माँ रमा और पिता अनोखेलाल को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहने लगी थी, पर मीनू अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट पर था। ऐसे ही एक दिन उसकी बहस अपने माँ बाप से हो जाती है। मीनू बिटिया, बहुत हो गया अब तुम्हारा, चुप्पे चाप शादी कर लो, बताई दे रहे हैं तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं। पहले मुझे मिस इंडिया बनना है, फिर करूंगी शादी, सुन लिया आपने? ज्यादा बकैती ना करो हमारे सामने, कोई मिस इंडिया फिस इंडिया नहीं बनना तुम्हें। अरे ये क्या बात हुई माँ, आपके लिए शादी ही सब कुछ है, मेरी खुशी कुछ नहीं? अगर ऐसा है ना तो मैं शादी करूंगी ही नहीं, और हाँ इतनी बुरी लगती हूँ ना तो निकाल दो मुझे अपने घर से। अरे ये क्या तमीज है, बात करने की कोई शर्म लियाज बचा है कि नहीं? आप में बचा है क्या, अपनी जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो। बस अब एक को सब नहीं, हम भी देखते हैं कैसे नहीं करती हो तुम शादी। मीनू गुस्से में तनतनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। मीनू के लिए जब भी कोई रिश्ता आता, वो कोई ना कोई कमी निकाल कर उस रिश्ते को ना कह देती, जिसके चलते एक दिन उसकी अपने माता पिता से बहस हो जाती है। ऐसे ही एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो वो अपना सारा सामान पैक करके बिना किसी को बताए अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। कुछ दिन तो वो इधर उधर ठोकरे खाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे काम मिलना शुरू हो जाता है और एक दिन उसका मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले राउंड में जजेस उससे कुछ सवाल पूछते हैं। मिस मीनू, राइट? यस सर, ऑलवेज राइट। ओके, स्मार्ट आंसर। तो मीनू मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही हैं। मेरे घर वाले इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, इसलिए मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए घर छोड़ दिया। यहाँ आई तो बहुत सारी परेशानियाँ अकेले ही फेस की। गट्स तो बहुत है आप में, मानना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुई तो आगे क्या, क्या आप वापस अपने घर चली जाएंगी? जी घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे अपना सपना पूरा करना है, और ज्यादा मेहनत करूंगी और फिर दोबारा आऊंगी यहीं, पर हार नहीं मानूंगी। जजेस मीनू की सारी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वीर नाम का एक जज मीना की बातें और उसके बोल्ड अंदाज को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसका अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें उसे अपना टैलेंट दिखाना होता है और वो डांस के जरिए अपना टैलेंट दिखाती है। राउंड खत्म होने के बाद वीर उसके पास जाता है और कहता है, हेलो मिस मीनू, वैसे मानना पड़ेगा मॉडलिंग के साथ साथ डांस भी कमाल का करती हैं आप। ओह थैंक यू सो मच सर। अगर आप कल फ्री है तो क्यों ना एक साथ में कॉफी हो जाए? आपके साथ जाने के लिए तो कोई पागल ही मना करेगा। इस तरह वीर और मीनू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वीर अपनी माँ रेणुका को मीनू के और अपने बारे में सब कुछ बता देता है और उसकी माँ रेणुका अपने होने वाली बहू को देखने के लिए उस कंपटीशन में जाती है, जहाँ पर मीनू पहले से ही बिकिनी ड्रेस पहनकर पोजेस दे रही होती है। हाय राम, बंद करिए टीम झाम, शर्म नहीं आती ऐसी अपनी प्रदर्शनी लगाते हुए। अरे माँ आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये उसके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, मिस इंडिया बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। एक कभी नहीं, इस बेशरम लड़की को मैं कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं। तो
तभी मीनू जल्दी से अपना परफॉर्मेंस खत्म करके रेणुका के पास आती है और उसके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। देखा माँ, कितनी संस्कारी है, आते ही पैर छू लिया आपके। अरे पैर छूने से कोई संस्कारी नहीं बन जाता, कपड़े देखे हैं तूने इसके, दूर हट मेरे बेटे से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब मेरे मॉडल बनने का हिस्सा है, मिस इंडिया बनने के लिए मुझे ये सब करना होगा। हाय, इसकी जबान तो देखो जैसे कैंची हो। वीर चल यहाँ से और इस लड़की से दूर रहना। अरे माँ रुको, अरे अरे मेरी बात तो सुनो माँ। रेणुका जबरदस्ती वीर को वहाँ से ले जाती है। ऐसा होता देख मीनू को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती और अपने कंपटीशन पर अपना पूरा ध्यान लगाती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो मिस इंडिया बन जाती है। उसकी प्रशंसा हर तरफ होने लगती है, कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है। ये सब देखकर उसके माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों उससे मिलने के लिए मुंबई आ जाते हैं। बेटा हमें हमारी गलतियों के लिए ना माफ कर दे, बहुत गलत किया हमने जो तेरी बात ही नहीं सुनी। अब तो तुम मिस इंडिया भी बन गई है, चल अब तेरी शादी धूमधाम से करवाते हैं। नहीं माँ, मैंने यहाँ अपने लिए एक लड़का देखा है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, उसका नाम वीर है, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। अनोखेलाल और रमा दोनों ही मिलकर अपनी बेटी का रिश्ता वीर के घर ले जाते हैं। जी आप तो जानते ही हैं, वीर और मीनू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, क्यों ना अब हम इनकी शादी करवा देते हैं। कभी भी नहीं, इस बेशरम लड़की को मैं अपने घर की कभी नहीं बनाऊंगी बहू। हाँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी, वो सब करना जरूरी था मेरे लिए। तो अब भी जाकर वो सब करना। बस माँ बहुत बोल लिया आपने, उस दिन तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, पर अब नहीं, मैं मीनू से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा, आप मानो या ना मानो। अरे बेटा दुनिया की बाकी सब लड़कियाँ मर गई है क्या जो तुझे इससे शादी करनी है। मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, मेरा प्यार मीनू है और वही रहेगी हमेशा। इस तरह वीर मीनू से कोर्ट मैरिज कर लेता है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। मीनू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है और साथ ही अपने मॉडलिंग का काम भी मैनेज करती है। वक्त के साथ रेणुका भी बदल जाती है और मीनू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये मिस इंडिया बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।